भागलपुर में आए दिन यातायात को लेकर काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 14 रूटों पर ही अब टोटो चलेंगी। वहीं भागलपुर की पुलिस लाइन में सभी टोटो चालकों को रूट का निर्धारण किया गया और भागलपुर में अब 14 रूटों पर सुनिश्चित किए गए रूट पर ही ई रिक्शा चालक अपनी ई रिक्शा को चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आर्थिक दंड भरना होगा। जानकारी यातायात DSP आशीष कुमार ने दी। आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक पे, और ऐसे भी आम पब्लिक के लिए ट्रैफिक का बहुत इशू है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आदेश हुआ है कि टोटो का रूट निर्धारण किया जाए कि किस रूट में चलेगा। सभी लोग इस रूट से उस रूट में, उस रूट से उस रूट में चलते रहते हैं, एक रूट कोई फिक्स हो उस गाड़ी का, उसी रूट में वो गाड़ी चले टोटो, तो उसके लिए 14 रूट का निर्धारण किया गया है। तो 14 रूट का निर्धारण में जिसका जो रूट होगा, जो आपने प्रायोरिटी पे देगा और जो हम लोग कर सकेंगे, कितना गाड़ी उस रोड में चल सकता है उसके हिसाब से उन लोगों को रूट देंगे, और उसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर करके 14 नंबर तक का रूट है। तो उसमें देख रहे हैं पेंटिंग हो रहा है, उसमें पेंट में लिखा जा रहा है BGP T से ट्रैफिक और रूट का नंबर दिया हुआ 2, तो ऐसे 1, 3, 4, 5 14 तक है, 14 रूट का निर्धारण किया जाएगा। जिस टोटो वाले को जो सुविधा हो उसका घर के अनुसार, उसमें जो शर्त रखा गया DTO साहब का, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका इंश्योरेंस है, और एक चीज़ और है, आधार कार्ड लेके लड़के अपना देंगे जो माइनर नहीं हो, जो चलाने वाला हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस जब होगा तो क्लियर होगा। अरे ये तो आपको पता है, उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होना है। ये तय है कि उसी रूट में चलना है जिस रूट का उनको परमिट लेना, मतलब परमिट नहीं, जिस रूट का उन्होंने अपना आवेदन दिया है, कोड लिया है, तो वो उस हिसाब से उसको चलना है। इससे नहीं होता है कि आप देखिए कि कभी जा रहा है मनाली में, कभी घुस गया इसमें, कभी उसमें, उससे क्या पूरा ट्रैफिक का जाम का इशू रहता है। और चूंकि भागलपुर बहुत पॉपुलेशन भी बड़ा है, लड़के बच्चे पढ़ने वाले बहुत हुए हैं और पुराना शहर है, तो उसके हिसाब से लोगों ने 14 रूट पर काम कर रहे हैं, और देखिए इस बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी धन्यवाद। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के टॉप 10 लिस्ट में शामिल कुख्यात अपराधी शाहजहां उर्फ पासा को भागलपुर पुलिस ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां उर्फ पासा पर जिले के विभिन्न स्थानों में लूट, हत्या जैसी 5 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। शाहजहां पर 50,000 का इनाम था। भागलपुर पुलिस को कई सालों से उसकी तलाश थी। और भागलपुर पुलिस की टॉप 10 की जो सूची है उसमें शुमार एक अपराधी है जिसका नाम शाहजहां उर्फ पासा है, और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। उसकी गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व तेलंगाना से के राजधानी हैदराबाद से सुनिश्चित की गई, और DIU प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत के नेतृत्व में एक टीम गई थी और जिसने इसके छुपने के ठिकानों की रेखी की, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद से सुनिश्चित की गई। और उसके बाद भागलपुर पुलिस ने लूटी हुई ई रिक्शा और 5 मोबाइल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 4 दिन पूर्व स्टेशन चौक से एक ई रिक्शा को भाड़े पर ले जाकर बाईपास थाना क्षेत्र के सेंट रेसिया स्कूल के समीप लूट लिया गया था। भागलपुर पुलिस ने ई रिक्शा को सनहौला थाना क्षेत्र से बरामद किया, साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 4 दिन पूर्व बाईपास TOP में एक लूट कांड दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक टोटो को भागलपुर रेलवे स्टेशन से कुछ लोग किराए पर ले जाके सेंट टेरेसा स्कूल के पास ले जाकर उस टोटो को हथियार के बल पर लूट लिया गया था। उसमें भी पुलिस ने 4 दिनों के भीतर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, और जो लूटा हुआ टोटो है उसकी बरामदगी की गई है, टोटो की स्टेपनी भी बरामद हुई है, और साथ में 5 मोबाइल की बरामदगी हुई है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी का आज एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय प्रशिक्षक आनंद कुमार और नवगछिया SP पूरन झा मौजूद थे। जिलाधिकारी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि भारत विश्व का सबसे
बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। इसको लेकर नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हम लोगों को तत्पर रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर में तकरीबन 45% ऐसे वोटर हैं जो मतदान नहीं करते हैं। आखिर इतनी भारी मात्रा में मतदान नहीं करने का कारण क्या है? इसे देखिए और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। मेरे SSP साहब एवं SP नौकरशिया के द्वारा अभी समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को ब्रीफ किया गया है और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं। क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में, और खास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में 43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं, तो हमने कहा है कि आप उसका कारण पता कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए और ये पता कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वोटर को कभी बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उस दिन हंगामा हो सकता है उस इलाके में या हमारे किसी भी रूप में हमारे पोलिंग पार्टी को या हमारे बूथ को या हमारी आम जनता को प्रभावित कर सकती है, उनकी सूची बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैंने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 40 वोटर की आप सूची बनाइए जो युवा हो और जो युवा हो, नए मतदाता बने हो, ताकि वो लोगों को जागरूक करें वोट करने के लिए। थर्ड हमने ये भी कहा है कि यदि कोई वोटर कोई व्यक्ति छूट गया जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो भी उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूची बना करके हमें दें ताकि सभी लोगों को हम इस वोटर लिस्ट में जोड़ करके और सभी लोगों से आग्रह करें कि वो मतदान करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय के प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत पूनम कुमारी अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी गुहार कहीं नहीं सुनी जा रही। जिसके बाद महिला अपनी गुहार लगाने पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद के कार्यालय पहुंची और वहां गुहार लगाई। दरअसल बराड़ी थाना क्षेत्र के झौवा कोठी सरकारी क्वार्टर नंबर 31 में पूनम कुमारी अपनी पाई हुई पुत्री और पुत्र के साथ रहती है। पूनम कुमारी को पुत्री लावारिस अवस्था में जब वो बच्ची नवजात थी तभी मिली थी, जिसके बाद से वह उसका भरण पोषण कर रही थी। वहीं 15 जनवरी 2024 को भवानी कुमारी उर्फ सोना अचानक घर से निकली फिर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी जब वो नहीं मिली तो महिला शिकायत लेकर बराड़ी थाने गई, लेकिन वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं CTDSP और SSP को भी बेटी को खोजने की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला का कहना है कि 15 फरवरी को मनाली चौक पर तनवीर नाम का एक व्यक्ति बेटी को मोटरसाइकिल से ले जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने बेटी को रोका। उसके बाद तनवीर और उसके साथ एक लड़का मारपीट उतारू हो गया और बेटी को लेकर चला गया। महिला का कहना है कि बेटी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है और उसे गलत काम के लिए बहला फुसला कर ले जाया गया है। महिला का कहना है कि बेटी जिससे भी शादी करना चाहे पुलिस बेटी को ला दे, वह उसके साथ शादी कराने को तैयार है। हम उलझे हुए थे, वो लड़का को हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का जो फोटो खींचे उनके नंबर का, तो उनका नाम मोहम्मद तनवीर। क्या लगता है कि कहीं लव जिहाद की तरह का मामला तो नहीं हुआ? हमको लगता है हमारी बेटी को गलत काम में फंसा दिया गया है, गलत। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस गंदे माहौल से निकल जाए हमारी बेटी। पुलिस मदद कर रही है? नहीं कर रही है। पुलिस मदद करती तो फिर कोई बात ही नहीं था, हमारा कोई तकलीफ सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब सुने तो पता नहीं, हम परेशान है सप्ताह दिन से। DSP सर सुनते हैं, DSP सर ये बोले कि उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है, आप क्यों उसको तबाह कर रहे हैं? आप पर कार्रवाई हो जाएगी, बताइए क्या कार्रवाई हो जाएगी? जब उनको हम गंदा फोटो दिखाए DSP सर को, फिर भी मेरी एक बात नहीं सुनते, क्या करें समझ में नहीं आता हमको।
कभी कभी लगता है हम ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक मेरा ही हो जाएगा, सीना में मेरे दर्द होने लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। वो तनवीर जो था वो और लड़का लोग भी था उसके साथ क्या? हाँ, उसके साथ एक गोरा जैसे लंबा जैसा लड़का था, हम उसको नहीं पहचानते हैं। हाँ, उसकी फोटो जरूर है। क्या लगता है भला पुतला कर आपकी लड़की को ले गया? हाँ, लिपिक है। कहाँ? कलेक्ट्रेट के। कलेक्ट्रेट? क्या हुआ है? वो हमारी पुत्री जो है, क्या नाम है? भवानी कुमारी उर्फ सोनू। कितना उम्र है? वो पाली हुई बच्ची है, उसकी उम्र वही 19 साल है, 19 साल होता होगा। वो जो है घर से अचानक निकल गई। कै तारीख को? 15/1/2024 को। उसके बाद? उसके बाद क्या कहता, हम चारों तरफ खोजबीन किए, छुट्टी लेकर के पास पड़ोस हर जगह खोजे, जहाँ जहाँ उसकी सहेली है वो सब जगह देखे, कहीं नहीं थी। उसके बाद हम थाना में जा कर के कहें, थाना वाले बोले क्या जैसे इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, हम लोग गश्ती में निकलेंगे, आपकी पुत्री को खोज के ला देंगे। वो अक्सर सेंडलिस कंपाउंड में रहती है, हम खोज के ला देंगे। लेकिन वो कहीं से भी खोज के नहीं आए। इसके बाद हम इसकी सूचना थाना को भी दिए, एसपी साहब को भी लिख करके दिए। केस हुआ? केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद डीएसपी साहब को भी हम दिए आवेदन लिख करके 19 तारीख को, 19/2 को। लेकिन वो भी बोले कि देखिए आपकी बेटी बालिग हो गई है, उसको किसी के भी साथ रहने का हक है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं, उसकी मर्जी है। आपकी बेटी बोली कि हम जो है कई लड़कों से संबंध बनाए, कई लड़कों के साथ गलत काम किए रहे, लेकिन हमको वहाँ भी प्रेम नहीं मिला, मम्मी से भी हमको प्रेम नहीं मिला, हमारा छोटा भाई है उससे भी हमको प्रेम नहीं मिला, क्योंकि हम जो है मम्मी की पाली हुई बेटी है, इसलिए मम्मी हमको प्रेम नहीं करती है। अपनी बेटी नहीं है वो? नहीं, हम पाल उसको पाए थे और पाले अपनी माँ के कहने। क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि उसको जिससे भी संबंध हो उस लड़के से उसकी शादी करा दिया जाए, जो समाज में नियम है वो गलत काम। पुलिस क्या कोई कार्रवाई कर? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हम ये बात डीएसपी सर को भी बोले कि सर अगर वो गलत कर रही है। आप कलेक्ट्रेट में लिपिक है, उसके बाद भी आपके साथ ये? हाँ, इस तरह से। आप डीआईजी सर के पास आए हैं? हाँ। यहाँ आवेदन दे रहे हैं? हाँ। कि कहीं से कोई गुहार लगे? हाँ। बेटी को चाहते हैं कि खोज के ला दे न? हाँ, खोज के ला दे, उस पर उचित कार्रवाई करे, जो कार्रवाई होता है समाज में जिससे उसको संबंध है उससे शादी करा दे, जो तरीका है। अब गलत देह का व्यापार कोई करावे तो ये चीज हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्या लगता है कि लड़की को कहीं गलत ढंग? हाँ, गलत ढंग से करा रहा है, क्योंकि हम जो है अपनी बेटी को खोजते हुए अपने पुत्र के साथ आ रहे थे, तो अचानक जो है मनाली चौक पर 16/2 की कहानी है ये, तो एक लड़का के साथ वो जा रही थी। एक आदमी हो, मतलब 45 बरस के करीब उम्र होता होगा, यही 45-40 का एज होता होगा, उनका नाम तनवीर है। तो हमने हीरो मोटरसाइकिल से उनका फ़ोटो खींच लिया, हीरो मोटरसाइकिल में उनका नंबर भी अंकित है, जो हम परिवहन कार्यालय से निकाले उसका। क्या लगता है कि लड़की को क्या लव जिहाद के तहत फंसाया गया है? हमको तो ऐसा ही लगता है। क्या? क्योंकि उसके गलत तस्वीर ऐसे बता रहे हैं। कोई मुस्लिम लड़का है क्या? अब लड़का कौन है वो हमको जानकारी रहता तो हम सारा चीज बता देते। हम लड़के को देखे और वो आदमी हमसे बुरी तरह से उलझ गए, मनाली चौक पर मारपीट करने लगे, मोहम्मद तनवीर, और उसके बाद वो लड़का भी सब मिल करके हमको मारना और हमारे पुत्र को मारना शुरू किया। जब हम चिल्लाने लगे तो सारे मनाली चौक के लोग जुट गए। जुटने के बाद वो लोग जो है मोटरसाइकिल स्टार्ट करके हमारी बेटी, वो लड़का और वो मोहम्मद तनवीर साहब भाग गए। क्या लगता है कि कुछ लोग इसको बहला फुसला कर गलत काम में भी? हमको ऐसा ही लगता है कि बहला फुसला के गलत काम में इसको लगा दिया है। क्या वो तनवीर भी इसमें शामिल है? हाँ, इसमें तनवीर भी शामिल है। तभी तो वो गाड़ी से लेकर के उसको चले गए। कोई भी किसी भी मामला को सुलझाया जाता है कि बल्कि वो मारपीट हमारे साथ किया जाएगा और हमारे पुत्र के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ। ठीक। मेरे बिहार में शिक्षा की सूरत बदलने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करने के लिए उन्हें अनोखे तरीके से शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं। भागलपुर में भी एक शिक्षिका का बच्चों को पढ़ाने का अंदाज काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल शहर के बाजार स्थित सारो साहून कन्या मध्य विद्यालय में शिक्षक स्वाति चौधरी अनोखे अंदाज में बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। शारीरिक गतिविधि कर बच्चों के साथ खुद बच्चा बनकर उन्हें आकृतियां सिखा रही हैं कि त्रिभुज किस तरह का है, चतुर्भुज किस तरह का होता है। साथ ही कविताओं को, विलोम शब्द को, दिशा को नृत्य के माध्यम से बच्चों को बता रही हैं। इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे पहले से ज्यादा की संख्या में
शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित संस्था किलकारी बाल भवन भागलपुर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता फिनाले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 27 फरवरी से चलकर 28 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आज दूसरे दिन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसोर चौधरी किलकारी भवन पहुंचे और बच्चों और संस्थान को ऐसे कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं किलकारी के कार्यक्रम समन्वयक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान के प्रति ललक बढ़े। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि उन्होंने आम जनों में जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, सुखता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं जैसे ड्रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। साथ ही किलकारी की टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों को इस तरीके से सींचें, इस तरीके से हम लोग ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चे देश में हमारे कोने कोने में जाकर के नाम। थैंक यू। मैं विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े, विज्ञान के महत्व को समझते हुए नई खोज को करें, ऐसी खोज जो मतलब कि उनके जीवन में एक बदलाव लाए। जैसा आपने आज देखा होगा कि प्रकृति से जुड़कर जितनी भी प्रेजेंटेशन थी वो सभी प्रकृति से जुड़कर प्रकृति में एक नयापन लाने की पहल थी उनकी। जैसे एसिड का वर्षा दिखा रहे हैं तो वो बच्चे एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस गति से प्रदूषण फैल रहा है हर स्तर पे, चाहे वो जिस भी स्तर पर हो, तो वो आने वाले समय में कितना बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो बच्चे एक ऐसी दिशा में अब सोचना शुरू कर दिए हैं कि जहाँ पानी के संरक्षण की बात वो कर रहे हैं, प्रदूषण को दूर करने की बात कर रहे हैं और भविष्य के दूरगामी परिणाम से भी वो चिंतित हैं कि अगर एसिड की वर्षा होगी तो क्या दृश्य होगा। तो बच्चों में ये जो जागरूकता, खोज के प्रति जो संवेदनशीलता और जो सृजनात्मकता की भाव जगी है, ये हमारे जो आज का प्रदर्शनी है इसको सफलता की ओर ले जाने का द्योतक प्रतीत हो रहा है। क्या मतलब आश्वासन मिला है किलकारी को और डेवलप करने के लिए? उनकी तरफ से तो आश्वासन मिला है निश्चित रूप से कि हर कदम पर हम आपके साथ हैं और हमसे जितना बन पड़ेगा, जितना हो सकेगा, हम सहयोग करेंगे किलकारी को आगे बढ़ाने में, और उनका संरक्षण है भी, मिला हुआ भी है। मेरा रूपा नाम हुआ सीपीसी। जमीन को जबरन हड़पने की नीयत से जमीन पर बने झोपड़ी में अपराधियों ने पहले आग लगाई, उसके बाद दहशत फैलाने के लिए कई चक्र गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल हो गया। मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डाउडबाट का है। घटना 26 फरवरी की संध्या तकरीबन 7:30 बजे की है, जब अपराधी गलत मनसूबे से आए और डाउडबाट के रहने वाले शंकर पासवान के बेटे भोला पासवान की जमीन पर वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित भोला पासवान न्याय की गुहार के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। पहले SSP उसके बाद DIG कार्यालय में अपना आवेदन दिया है। ये घटना जो है हबीबपुर अंतर्गत में हुआ है, डाटबाट में है ना, हजीसापुर मौजा। ये घटना है कि ये ललन राय जो मकनपुर छीट मकनपुर का रहने वाले हैं, ये जमीन हमारे यहाँ ही मांग रहा है कि ये जमीन आप हमको लिख दो। तो हम बोले कि देखिए, हम आपको ये जमीन नहीं लिखेंगे, हम यदि आपको दे देंगे तो फिर हम रहेंगे काम में, है ना। तो वो बोला कि नहीं, आप हमको जमीन दे दो। हम बोले नहीं ललन भैया, आपको हम जमीन नहीं देंगे, ललन यदि जमीन हम बेचेंगे तो आपको ही देंगे। उसके बाद शशिकांत पासवान आया और पप्पू पासवान आया, फोर व्हीलर से भी आया, हमको गाड़ी में एक बार बैठा लिया, बैठाने का करीब में हमारा गेट लगा दिया उसने। हमको बोला कि आप जमीन लिखोगे कि आपको हम गोली मार देंगे। हम बोले भैया, जमीन हमारे नाम से नहीं है, हम आपके कैसे जमीन लिख देंगे। यदि जमीन ऐसा बात है, यदि बेचेंगे तो आपको हमने देंगे। फिर दो चार आदमी से दबाव दिलवाया, वो चौक पर भी उसके लोग सहयोगी लोग आए तो हमको बोला कि आप जमीन दे दो वहाँ पर। हम बोले जमीन नहीं देंगे। और उसके बाद जो आया, उसके बाद आया वहाँ 11:30 बजे लमसम आया, उसके बाद बोला कि आप जमीन हमको लिखोगे या नहीं लिखोगे। हम बोले नहीं, जमीन आपको हम नहीं देंगे, अभी यदि बेचेंगे तो आपको देंगे, नहीं तो 5 लाख रुपया रंगदारी देना पड़ेगा। हम बोले गरीब आदमी कहाँ से आपको 5 लाख रुपया देंगे। इसके क्रम में वो चला गया। उसके बाद करीब में जो है 7 बजे 7:30 बजे जो वो लोग आया, उसके बाद जो है
मेरा भाई था, खोपड़ी में आग लगा दिया, इसके बाद ये था, इसको मारपीट करने लगा, उसके बाद गोली फायरिंग करते हुए वो निकल, गोली करीब करीब 3-4 गोली वो लोग फायरिंग किया है। थाना को सूचना दिए? थाना को सूचना हम लोग दिए, वहाँ जा करके सारा वीडियो भी हमारे, यदि थाना को सूचना दिए, उसके बाद सारे समाज को हल्ला किए, सारा समाज वहाँ दौड़ गया, ये लोग जो है भागते ही निकल गया, ये लोग थाना आया? थाना नहीं आया। तो आज कहाँ आए? अभी हम लोग अपने सारा में, सारा हमको नहीं मिला तो हम साहब के यहाँ आए, DIG साहब के यहाँ आए कि हमको न्याय चाहिए। भागलपुर जिले के पीरपैंती बाजार में कई वर्षों से बांग्लादेशी शरणार्थी शरण लिए हुए थे, जहां वो लोग रह रहे थे वो रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, वहां दर्जनों शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन अब सभी बांग्लादेशी शरणार्थियों पर गाज गिर गई है। वहीं के कुछ दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा षड्यंत्र के तहत सभी दर्जनों बांग्लादेशी शरणार्थियों पर SC/ST केस दायर कर दिया गया है। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, जिससे सभी बांग्लादेशी शरणार्थी काफी परेशान हैं। सभी रिफ्यूजी अपनी गुहार लगाने भागलपुर के SSP आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं बांग्लादेशी शरणार्थियों ने कहा कि हम लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं, लेकिन अब हम लोग यहीं शरण लेकर बस गए हैं, यहीं हम लोगों का व्यवसाय चलता है, यहीं बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम लोगों को यहां से अगर षड्यंत्र परेशान किया जाएगा तो हम लोग कहां जाएंगे। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहां शरण दिया गया, वो भूमि जो है सर हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बाय जबरन ही किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आकर हम लोग को बचाया, बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से पर्चा पाट दिया गया। हम लोग को सूचित मिला तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे, सबको आवेदन दे रहे, तो आज रात में पुलिस हम लोग को पकड़ रहा है, तो सुनते हैं कि हम लोग को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया। कौन फंसा है? विनोद पासवान। क्या चाहता है वो लोग? चाहता है कि ये 4 acres 68 डिसमिल प्लॉट जिसमें हम लोग को शरणार्थियों को बगीचा दिया गया था कि इसमें भरण पोषण करे, वो बगीचा का प्लॉट वो लोग दलितों में बांट देना चाहता है बड़ी रकम लेके। सरकार ने पर्चा भी बांट दिया है? जी, पर्चा गलत रूप से बांटा गया, उच्च न्यायालय का न्याय हुआ ही नहीं तब तक जो हम लोग उच्च न्यायालय का शरण में थे, और इस दौरान जो है मनोहर कुमार ने पर्चा बांट दिया। कौन है मनोहर कुमार? ये IO CO दोनों प्रभारी, हमारे पीरपैंती का अंचल में अभी CO अस्थायी नहीं है, वो अभी वही CO है, वही RO। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल राजवंशी है, पीरपैंती बाजार रिफ्यूजी कॉलोनी। यही है 2018 से हम लोग परेशानी हो रहे हैं। हम लोग का जमीन हड़प लिया था उन लोग, फिर केस भी किया हम लोग का पतियों के ऊपर, केस चल रहा है, फिर हम लोग का इस बार फिर मतलब केस कर दिया है। और इस बार जो है मेरा सासुर 80 साल का बूढ़ा है, दिमाग भी ठीक नहीं है और हाथ पैर भी नहीं चलता है, उसके ऊपर भी केस कर दिया है, मनमानी कर रहा है। हम लोग का दिन रात परेशान कर रहा है, घर से नहीं निकल पाते। कौन लोग? हम लोग नहीं निकल पाते। विनोद पासवान है, मनोज पासवान है, यही पासवान सब परेशान है बहुत ज्यादा। हम लोग कुछ आदमी है और एकदम घर से नहीं निकल। कितने परिवार है आप लोग? हम लोग 6 परिवार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम झुमा राजवंशी। ठीक। सुल्तानगंज थाना परिसर में DSP मंगलेश कुमार के नेतृत्व में अनुमंडलीय स्तरीय एवं सीमावर्ती इलाकों के थानाध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए अपराधियों की टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं सीमावर्ती इलाकों में गश्ती बढ़ाते हुए अपराध पर अंकुश लगाने एवं शराब माफियाओं पर नकेल कसने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान SDO विपिन सिंह, चंदन कुमार, सिंधु शेखर सिंह, राजकिशोर कुमार सहित सुल्तानगंज, खड़गपुर, तारापुर, बांका, अमरपुर, शाहकुंड, बात थाना के थाना अध्यक्ष एवं SDPO मौजूद थे। असम लोकसभा चुनाव 2024 के आयोजन में अंतर जिला मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं हूँ और उसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, बेलहर, हवेली, खड़गपुर, तारापुर हैं। इसके अलावा जो भी थाने जो सीमावर्ती थाने हैं दोनों तीनों जिलों के, वो सभी थानाध्यक्ष भी हैं। और इसमें खास करके कुछ बिंदुओं पे जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें था कि जो भी हमारे सीमावर्ती अपराधियों की सूची है उसका आदान प्रदान हम लोगों द्वारा किया जाएगा। कौन सा अपराधी बोले?
नहीं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी अपराधी हैं, जो सक्रिय हैं अपराध में, उनके ऊपर हम लोग चर्चा हुई कि सूची का आदान प्रदान होगा। उसके अलावा जो भी हमारे अंतर जिला के चेक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग स्थापित करके और वहाँ पर लगातार निगरानी रखेंगे और सघन वाहन जाँच होगा, हर तरीके से हम लोग वहाँ अलर्ट रहेंगे।